हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है आपका अपने चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए आज जो 22 अप्रैल है, इस दिन मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे। तो क्यों मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, क्या है विश्व पृथ्वी दिवस का इतिहास, ये पूरा मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से एक लास्ट तक देखना, और आज अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करना लाइक। देखिए दोस्तों, हैप्पी अर्थ डे 2019, जानिए 22 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है अर्थ डे। हर साल 22 अप्रैल को हम विश्व पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे मनाते हैं, पर्यावरण संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है, साथ ही लोगों को पर्यावरण बेहतर बनाने का संकल्प भी लेते हैं। यानी लोग विश्व पृथ्वी दिवस के दिन यह संकल्प लेते हैं कि भी हम पर्यावरण का सुरक्षा करेंगे, हम इसको और बेहतर बनाएंगे, प्रदूषित नहीं करेंगे। वर्ल्ड अर्थ डे आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। अर्थ डे यानी 2019, सबसे पहले 1970 में, यानी जब 22 अप्रैल 1970 में ये सबसे पहले मनाया गया था। पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधों को बचाने के लिए दुनिया भर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे के मौके पर पर्यावरण संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है, साथ ही उनसे संकल्प लिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है पृथ्वी दिवस या अर्थ डे को लोगों के बीच कहाँ से आए? इस शब्द को लाने वाले कौन थे? जूलियन कोनिग, यानी जूलियन कोनिग नाम व्यक्ति थे जो इस शब्द को लाए थे। उन्होंने 1969 में सबसे पहले इस शब्द से लोगों को अवगत कराया, यानी पृथ्वी दिवस या अर्थ डे। अब देखते हैं अर्थ डे का इतिहास। पृथ्वी दिवस एक वार्षिक आयोजन है जिसमें 22 अप्रैल को दुनिया भर से पर्यावरण संरक्षण के समर्थित प्रदर्शित करने आयोजित किया जाता है। इसकी स्थापना अमेरिका के सीनेटर जेरार्ड नेल्सन ने 1970 में एक पर्यावरण शिक्षा के रूप में की थी। अब इसे 192 से अधिक देशों में प्रति साल मनाया जाता है। सीनेटर नेल्सन ने पर्यावरण को एक राष्ट्रीय एजेंडा में जोड़ने के लिए पहले राष्ट्रव्यापी पर्यावरण विरोध की प्रस्ताव दी। कहा था यह एक जुआ था, वे याद करते हैं, लेकिन इसने काम किया। जाने माने फिल्म और टेलीविजन अभिनेता एडी अल्बर्ट ने पृथ्वी दिवस के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि पर्यावरण सक्रियता के संदर्भ में जारी इस वार्षिक घटना के निर्माण के लिए अल्बर्ट ने प्राथमिक और महत्वपूर्ण करके जिन्होंने संपूर्ण कार्यकाल के दौरान प्रबल समर्थन किया। ऐसा माना जाता है कि 1970 के बाद पृथ्वी दिवस अल्बर्ट के जन्मदिवस यानी 22 अप्रैल को ही मनाया जाने लगा। यानी 1970 जो है पृथ्वी दिवस किस लिए 22 अप्रैल को मनाया जाता है, उस दिन अल्बर्ट जो कि इसके एनडी अल्बर्ट है, जो इसके जिन्होंने उनका पृथ्वी दिवस का प्रचार प्रसार किया था, उनका जन्मदिन है 22 अप्रैल को। इसीलिए 22 अप्रैल को 1970 से ये लगातार मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, हम भी बस आज विश्व पृथ्वी दिवस के ऊपर ये संकल्प लें कि हम हमारी पृथ्वी, हमारी धरती को ज़्यादा से ज़्यादा हरा भरे करेंगे, पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, संरक्षित रखेंगे, पृथ्वी बचाओ, जल बचाओ, और खुश रहो, हैप्पी रहो। यही था दोस्तों आज का विश्व पृथ्वी दिवस का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कर देना वीडियो को लाइक, और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल दबा देना। धन्यवाद दोस्तों।